अब तक की सबसे बड़ी खबर। तुर्की राष्ट्रपति एर्दोगान ने साफ लफ्जों में कह दिया है कि वो अमेरिका की धमकियों से नहीं डरेंगे। देखने के लिए पूरी रिपोर्ट को बने रहें सच के साथ चैनल में। मैं गुलाम आपका हमारे चैनल में स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। आप लोगों से गुजारिश करूंगा, अभी तक अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे में लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब करके बगल में घंटी को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दे। तो चलिए शुरू करता हूं। आपको बताता चलूं कि तुर्की राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान ने सीरिया में उनकी तरफ से कुर्द आतंकियों के खिलाफ हो रही कार्रवाई को लेकर बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने साफ कह दिया है कि सीरिया में कुर्द आतंकियों के खिलाफ उनका अभियान नहीं थमेगी और वो इसको अभी नहीं रोकेंगे। एर्दोगान ने कहा कि तुर्की द्वारा उत्तरी सीरिया में कुर्द आतंकवादियों के खिलाफ अपने अभियान को नहीं रोकेगा। उन्होंने इस बात को खारिज कर दिया कि ये कार्रवाई दूसरे देशों के लिए खतरा साबित होगी। एर्दोगान ने इस्तांबुल में दिए भाषण में कहा कि लोग कुछ भी कह सकते हैं पर हम इस कदम को नहीं रोकेंगे जो हमने उठाया है। उन्होंने कहा कि अब हमें इस कार्रवाई को रोकने के लिए कहते हुए चारों ओर से खतरे आ रहे हैं। एर्दोगान ने आगे कहा कि हम पीछे नहीं हटेंगे, हम इस लड़ाई को तब तक जारी रखेंगे जब तक कि सभी आतंकवादी हमारी सीमा से दक्षिण में 32 किलोमीटर की दूरी तक नहीं चले जाते हैं। ये थी बहुत ही बड़ी खबर, जिस बात का जिक्र खुद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने किया था। तुर्की ने बुधवार को उत्तरी सीरिया में कुर्दिश पीपुल्स प्रोटेक्शन यूनिट्स के खिलाफ एक अभियान शुरू किया था, जिसे तुर्की ने एक आतंकवाद निरोधी अभियान बताया था। तुर्की ने इसका उद्देश्य कुर्दिश पीपुल्स प्रोटेक्शन यूनिट्स को अपनी सीमा से दूर रखने के लिए एक बफर जोन स्थापित करना बताया था। ये एक ऐसा विचार है जो पहली बार सार्वजनिक रूप से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा इस वर्ष की शुरुआत में बताया गया था। तो ये थी अब तक की सबसे बड़ी खबर। आपको ये खबर कैसा लगा? खबर को आप शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया खबर देखने के लिए।